सारा अरुणाचल को क्लीन करना है हम लोग को, ना कि तकम निकोलस और तकम सोसाइटी के लिए हम लोग रुक के नहीं बैठेगा। 15 डेज में अल्टीमेटली हम लोग को क्लियर करना होगा वो तकम है। अरुणाचल प्रदेश सिविल ट्राइब वेलफेयर सोसाइटी को, अरुणाचल प्रेस क्लब में बात रखने के लिए, अपॉइंट देने के लिए, मौका देने के लिए थैंक यू यहाँ का जितना मेंबर है और मीडिया लोग को। हमारा आज मीडिया आने का 3 पॉइंट है। एक पॉइंट है हम लोग जो है अरुणाचल सिविल ट्राइब वेलफेयर सोसाइटी जो है डिस्ट्रिक्ट अवेयरनेस के लिए जाएगा, और दूसरा पॉइंट है डिस्ट्रिक्ट में जाके डिस्ट्रिक्ट यूनिट को क्रिएट करने के लिए वह प्रेसिडेंट सेक्रेटरी हम लोग अपॉइंट करने जा रहा है, और तीसरा पॉइंट है कल हम लोग सोशल मीडिया में देखा है तकम वेलफेयर सोसाइटी जो है हमारा सिविल ट्राइब वेलफेयर सोसाइटी को एलिगेशन डाला है, उसका 3 पॉइंट का ऊपर में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो पहला पॉइंट है हम लोग इस तरह जाएंगे डिस्ट्रिक्ट में, हम लोग सबसे पहले हम लोग जाएगा आपका पासीघाट, पासीघाट में 23 को जाएगा, 24 को होल करेगा, और सब अरुणाचल सिदिल ट्राइब का जो जितना बासी है उन लोग से, हम लोग का सिदिल ट्राइब वेलफेयर सोसाइटी का तरफ से रिक्वेस्ट है, सच्ची में अगर स्टेट को क्लीन करना चाहता है तो हमारा साथ दीजिए, और हम लोग सर्किट हाउस में बैठेंगे पासीघाट में, वहाँ 24 को प्रोग्राम होगा, जो सच्ची में हमारा सिदिल ट्राइब वेलफेयर सोसाइटी के लिए स्टेट को ये ऑफ स्प्रिंग को क्लीन करना है, तो जो पासीघाट का जो बासी है वहाँ का सीनियर सिटीजन, वहाँ का लीडर्स, पंचायत लीडर्स, पब्लिक लीडर्स, आपका मार्केट वेलफेयर लीडर्स, और जितना वहाँ का यूथ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, एरिया वाइज स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, सबको विनती है आप लोग का बीच में कोई ऐसा जानकारी है तो हम लोग को वह इंफॉर्मेशन दे सकता है, और जो हमारा सिदिल ट्राइब में इंटरेस्टेड है वो वहाँ आके मेंबरशिप ले सकता है। हम लोग ट्रांसपेरेंटली हम लोग करना चाहता है सिदिल ट्राइब वेलफेयर सोसाइटी। कल हम लोग का मीटिंग बैठक हुआ था इस बीच में, इस चर्चा में बैठा हुआ था, तो अभी हम लोग चाहता तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट वाइज को भी यहाँ अपॉइंट कर सकता है, लेकिन हम लोग ने एक रेजुलेशन पास किया है सिदिल ट्राइब वेलफेयर सोसाइटी, जो रेजुलेशन पास किया है कि डिस्ट्रिक्ट में ही जो इंटरेस्टेड है उनको वही अपॉइंट किया जाए। तो इस हिसाब से हमारा प्रोग्राम है वहाँ में, वो एरिया में है आपका एरिया वाइज हम लोग बनाया अरुणाचल को 4 हिस्सा में बनाया, 4 हिस्सा इस तरह बनाया, जो अभी पहला हिस्सा हम बता देते हैं आप लोग को। ये सबसे पहले हम लोग पासीघाट जाएंगे, पासीघाट में 2 दिन रहेगा, उसका बाद बोलंग जाएगा, उसका बाद येंग्क्यूंग जाएगा, उसका बाद एलोंग आएगा, इसका बाद बासर जाएगा, उसका बाद लिकावाली में एंड करेंगे। इस तरह का हम लोग पार्कर बनाया, स्टेट को 4 भाग में बनाया है, तो ये हम लोग का अवेयरनेस प्लस आपका डिस्ट्रिक्ट यूनिट को हम लोग क्रिएट करने जा रहा है, क्योंकि हम लोग अभी पब्लिक डोमेन में आ गया है तो हम लोग हर चीज़ को ट्रांसपेरेंटली करना चाहता है, और वहाँ में जो इंटरेस्टेड है, जो जो डिस्ट्रिक्ट में इंटरेस्टेड है आप लोग, हम लोग को आने का बाद आप लोग हर डिस्ट्रिक्ट का सर्किट हाउस में हम लोग रहेंगे, तो इसी तरह हमारा प्रोग्राम है। और अभी
दूसरा जो पॉइंट है, जो डिस्ट्रिक्ट में जो हम लोग अभी जिसको प्रेसिडेंट सेक्रेटरी हम लोग अपॉइंट करेंगे, वही वहाँ का डिस्ट्रिक्ट का लोग का करेक्टर का बारे में वहाँ का ये नेचर का साथ वो लोग जानता है, तो हम लोग उसके लिए अलग अलग मेंबर को हम लोग ड्राइव नहीं कर सकेगा। चेयरमैन सेक्रेटरी को मतलब डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को हम लोग ऑथोराइज दिया जाएगा वहाँ किसको मेंबर में रखना है नहीं रखना है, क्योंकि हम लोग यहाँ से डिक्टेटरशिप करने से ये गलत होगा, क्योंकि ये हम लोग का सोसाइटी का कल मास गैदरिंग करके हम लोग ने रेजुलेशन पास किया है, जो डिस्ट्रिक्ट का वहाँ का जो परमानेंट जो बीतने वाला है वही जानेगा उसका करेक्टर को, वहाँ कौन खराब है कौन अच्छा है क्या चीज़ है। इसीलिए हम लोग वहाँ का आपका सीनियर सिटीजन लोग का साथ भी हम लोग डिस्कस करेंगे और कैसे करके क्या करने से बेहतर रहेगा, हम लोग आगे प्रोसेस में जाएंगे। और थर्ड पॉइंट ये है, कल तकम वेलफेयर सोसाइटी जो हमारा सिदिल ट्राइब वेलफेयर सोसाइटी को एलिगेशन दिया है, इस तरह का दिया है उन्होंने, 10 पॉइंट्स 11 पॉइंट्स दिया है, तो हमको तो एक चीज़ समझ में नहीं आता है। आप लोग का मीडिया का थ्रो से मैं अरुणाचल वासी को ये बताना चाहूँगा, जब हमारा फॉर्मर चेयरमैन लोकम तालो जी होते समय को मैंने उनका कहने पे उनका साथ में तकम वेलफेयर सोसाइटी का चेयरमैन का घर मैंने गया था 100 कोस नोटिस देने के लिए, तो उनको हम दोनों ने हमारा फॉर्मर चेयरमैन हम दोनों ने क्लियरली बोला था कि ये परिवार को विटनेस भी है, कंप्लेन आया है, तो इसलिए हम लोग प्यारली एकदम आप लोग सोचता है कि सोसाइटी अगर बदनाम नहीं होना है तो ये लोग का साथ में डिस्कशन करके कैसे करना है क्या करना है आप लोग कर लीजिए। और हमारा एक बात था, कल को फर्दर हम लोग को कोर ताना में हम लोग जाना नहीं चाहेगा, इसलिए आप लोग अपना से अपना फैमिली को बचा लीजिए, कल को शर्म होगा मीडिया में आना होगा, हम लोग क्लियरली हम लोग का जो 100 कोस नोटिस में लिखा हुआ था। तो उन्होंने चेयरमैन ने ये बोला कि अभी तू उसको तो सब जनता ही है, मैं भी जनता ही हूँ, अब इसका बारे में हम क्या बात करेगा, हम लोग बात करने के लिए है ही नहीं है, आप लोग अपना हिसाब से देख के कीजिए। फिर भी एज ए चेयरमैन तकम वेलफेयर सोसाइटी का चेयरमैन हिसाब का नाते मैं एक बार बैठक बैठाऊँगा और हमारा हम लोग को इन्फॉर्म करेगा बोला। तो काफ़ी हम लोग मार्च में देने का बाद अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त तक हम लोग रुका है, सितंबर में ही हम लोग FIR फाइल किया है। ये है शुरू का जो हमारा जर्नी जो उनका साथ जो मीट हुआ था, उनका बाद मैं सोसाइटी को देने का बाद में तकम निकोलस का ऑफिस हमने गया पर्सनली, DC ऑफिस चंदनगर गया, मैं उनको कॉपी देने के लिए गया, तो नीचे में जो दाग है वो पहले ले गया सार को दिखाना होगा बोल के, तो हम तो सोचा था कि वो रिसीव करेंगे, लास्ट में उन्होंने वापस भेज दिया, नीचे दाग से हम लोग रिसीव लाया है, हमारा पास में अभी भी वो कॉपी है, तकम वेलफेयर सोसाइटी को देने वाला कॉपी भी है हमारा पास, और ये उनको पर्सनल कॉपी देने वाला भी है। तो इसी तरह है तकम वेलफेयर सोसाइटी को देने वाला, इधर है ये है उसको उन्होंने रिसीव किया है, उनका चेयरमैन ने रिसीव किया, और उनको देने वाला ये है ऑफिस से रिसीव है। तो ये है आप लोग को बताना, और अभी मैं पॉइंट वाइज जाऊंगा। उनका बात 100 कोस नोटिस देने का बाद मैंने RTI किया, मैंने सोचा है कि हर चीज़ को सिस्टम से जाने से अच्छा रहेगा सोच के मैंने RTI किया, यहाँ क्लियरली लिखा है कि पर्सनल कॉपी नहीं देगा, वहाँ से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से हमको फिर रिप्लाई लेकर आया है कि वो ये नहीं देगा। तो इस तरह हम लोग बिना कंप्लेन का बिना सोर्स का हम लोग किसी का लाइफ को एलिगेशन नहीं दे सकता, हमारा पास में सोर्स है, स्टेटमेंट देने वाला विटनेस है, हर तरह का हमारा पास उनका ऊपर में सबूत है। तो इसीलिए हमने लास्ट
ये तकम वेलफेयर सोसाइटी ने लिखा है कि अभी नंबर वाइज जाएंगे, नंबर टू में लिखा है तकम वेलफेयर सोसाइटी जो है वो पुलिस स्टेशन में हम लोग को FIR क्यों किया है बोला है तो ना। तो इसमें इस तरह है, हम लोग एक इंजो का टाइप है। हमारा ड्यूटी ये होता है कि सच्ची में इलीगल एसटी अगर लेके बेटा है तो उसको पाइन आउट करके गवर्नमेंट थ्रो तक हम लोग को पहुंचाना, वो हमारा ड्यूटी है। और अपना स्टेट के लिए हम लोग सिर्फ नहीं है, आप लोग सब अरुणाचल का वासी ये चीज़ को कर सकता है। बस इतना है कि हम लोग जो है एक रजिस्ट्रार है बोल के इसमें एक यूनिफिकेशन आके हम लोग ने FIR दिया उनको कि उनका डॉक्यूमेंट्स दे दो बोल के। क्योंकि हम लोग फोर्सफुली अगर दूसरा तीसरा एंगल से करेगा तो हम लोग का ऊपर में कानून का दाग लग सकता है, हमारा ऊपर में कानून का कार्रवाई हो सकता है। इसीलिए हम लोग कानून को हाथ में नहीं लेते हुए हम लोग पुलिस का वहाँ हम लोग ईटानगर PS में उसका अगेंस्ट में FIR दर्ज किया है, जबकि उनका डॉक्यूमेंट्स मांगने के लिए हमने बोला है कि FIR में क्लियरली बोला है कि उनका डॉक्यूमेंट्स लीजिए, वेरीफाई कीजिए। और आगे तो उसको ST रखना नहीं रखना वो तो हमारा स्टेट में हाई पावर कमिटी तो है ही है, तो वो तो CBS लोग वो डिस्ट्रिक्ट में भी CBS बना के रखा है, वो लोग तो देख लेंगे। इसीलिए वो डॉक्यूमेंट्स देने का वजह हमारा सिद्धिल ट्राइब वेलफेयर सोसाइटी को एलिगेशन डाला है। इसीलिए ये उसका एलिगेशन देने वाला ये एकदम बेसलेस है, उसका जो FIR अगेंस्ट में जो देने वाला। थर्ड पॉइंट जो ये लिखा है वो जो हम लोग को कंडम करता है बोला है, इसलिए पॉइंट वाइज जाने से भी एक झंझट है, इसलिए हम कॉमन में अभी बात करेगा। वो लोग हम लोग का ऊपर में ये बोला है कि हम लोग अनरिकोनाइज एक सोसाइटी है बोला है, एक सेल्फ डिक्टेटरशिप एक सोसाइटी बनाया है, अपना मर्जी से सेलेक्ट करके बनाया है बोला है, एलेक्ट करके जो भी हो। अभी इसका बारे में बता दूँ, ये तकम वेलफेयर सोसाइटी जो है उनका भी रजिस्टर नंबर है, रजिस्टर नंबर SRITA/7013 उसका रजिस्टर नंबर होता है। और हमारा रजिस्टर नंबर है रजिस्टर नंबर SRITA/7674। तो अगर हम लोग अपना मर्जी से हम लोग किया है तो गवर्नमेंट हम लोग को कैसे रजिस्टर दिया है? इसीलिए किसी को एलिगेशन करने से पहले खुद को जाग लेना चाहिए, मेरा मानना ये है। इसीलिए जो हम लोग का ऊपर में जो पॉइंट दिया है कि ये बेसलेस ऑर्गेनाइजेशन है, बेसलेस सोसाइटी है, हाँ ये अपना उन प्रिडिक्ट करने वाला सोसाइटी है बोला है, इसीलिए उनका पॉइंट जो है बेसलेस है, इसीलिए हमने उसको क्लियर किया। दूसरा उन्होंने ये बोला है कि हम लोग जो ये ग्रुप जो है आपका क्रिमिनल बैकग्राउंड से बिलोंग करता है बोला। तो अभी देखिए अरुणाचल का लोग सुनिए, मेरा पास्ट को बोलने वाला वो कोई नहीं होता है, और मेरा फ्यूचर को भी वो डिसाइड नहीं कर सकता। क्योंकि आप देखिए इंडिया में देखिए हम लोग वर्ल्ड तक तो जाएगा नहीं है, अपना अरुणाचल को क्लीन नहीं कर सकता है तो इंडिया जाने तक के लिए भी हम सोचना पड़ता है। अब इंडिया में देखिए जब तक इंडिया का रूल जो ये कहता है, कानून जो ये कहता है कि जब तक किसी को कन्वेक्ट नहीं करेगा उसको आप क्रिमिनल नहीं कह सकता, वो जो एक सस्पेक्ट में होता है। चलो हम लोग मानता भी होगा हमारा मेंबर में एक दो मे भी चौथा समय में कुछ गलत भी किया है तो वो परमानेंट नहीं रहता है, ये हमेशा याद रहना है। आदमी जैसे जैसे बढ़ता है उसका नेचर चेंज होता है, इसीलिए आदमी का हम तो अपना पर्सनल हमारा सिद्धिल ट्राइब वेलफेयर सोसाइटी जो है इसमें भी मेंबर को देखना है। ऐसे कल हमारा GS साहब ने बोला है कि इनका ऊपर में तो एक भी आज तक एक FIR रिकॉर्ड भी नहीं है ना इसका एक भी बैंक करप्शन है। तो इसी तरह सब सोसाइटी जो हमारा कम से कम अरुणाचल में
हर डिस्ट्रिक्ट से हमारा सोसाइटी में मेंबर है। तो किसी को अगर पर्टिकुलर बोलना है तो हमको पर्टिकुलर बोलना है तो हमको बोल सकता है, लेकिन हमारा सिद्धिल ट्राइब वेलफेयर सोसाइटी को ऐसे एलिगेशन दिया है, इसीलिए हम लोग आप लोग का ऊपर में पब्लिक का ऊपर में हम लोग चौथा है, उसको देखिए ये लोग क्या बोलना चाह रहा है। और अभी वो बोलता है कि हम लोग क्रिमिनल बैकग्राउंड से है तो ऐसे इंसान को कैसे विश्वास करेगा, आगे अच्छा काम करेगा नहीं करेगा, अरुणाचल पब्लिक सोच रहा होगा। देखिए आप लोग को एक बात बोलेगा, क्रिमिनल करने के लिए, क्राइम करने के लिए, हाँ एक्सीडेंट करने के लिए, आदमी मरने के लिए कोई नहीं सोचता है, वो हो जाता है, अचानक में हो जाता है, इंसिडेंट हो जाता है, उसको लेके आदमी का पास्ट को लेके ऐसे एलिगेशन करना ये गलत है। इसके लिए हम लोग आगे क्या कार्रवाई करना है, हमारा लीगल एडवाइज़र का साथ बैठक करके हम लोग डिस्कस कर रहा है, वो आगे हम लोग देख लेंगे। और एक पॉइंट दिया है, ये एक्चुअली ज़्यादा पॉइंट हो गया इसलिए पॉइंट को याद नहीं रह पाएगा, क्योंकि इसी के लिए तो हम लोग सिर्फ तकम वेलफेयर सोसाइटी के लिए हम लोग सिर्फ पढ़ते नहीं रह सकता है, हम लोग को सारा अरुणाचल को पढ़ना होगा, इसीलिए पॉइंट वाइज में काउंट करने से मिस्टेक होगा बोल के मैं बोला। और इसमें और एक लिखा है कि वो बोल रहा है कि हमारा जो सोसाइटी जो खुला गया है दियान से, अरुणाचल का जो पब्लिक है दियान से सुनिए, और ये सिद्धिल ट्राइब वेलफेयर सोसाइटी जो है एक अलग इंटरेस्ट में खुला गया है बोला है, ये जो है पैसा के लिए खुला है बोला है, पैसा कलेक्शन करने के लिए, एक्सट्रोशन करने के लिए। उनका कहना ये है कि तकम वेलफेयर सोसाइटी को जो यानी कि तकम निकलेस को, निकोलस को हमारा टीम से कोई पैसा मांगा है ना, उनका कहना है जब नहीं दिया है तो हम लोग जो है नोटिस दिया है और FIR किया है बोला। तो अगर आपका पास ऐसे अगर सबूत है आप क्यों ऐसे रखता है, पब्लिक डोमेन में लाइए, मीडिया बुलाइए, हाँ वो सबूत दिखाइए, तब तो हमारा अरुणाचल का पब्लिक भी समझेगा कि नहीं ये भी सच बोल रहा होगा। और अभी और एक पॉइंट उन्होंने बोला है कि जैसे कि लेवलेटिस, जैसे कि उदार, ये दार वार होना, जिंदगी में एक भी इंसान ऐसे नहीं होगा कि कभी किसी से 10 रुपया नहीं लिया, कोई ना कोई कंडीशन में, कोई ना कोई सिचुएशन में, भले वो पैसा ही नहीं, सामान जो भी मेटेरियल्स कुछ तो लेता है, उसको अब हम लोग को ये एलिगेशन देना एक रेनोन्ड सोसाइटी होके, एक बहुत नामी सोसाइटी है तकम वेलफेयर सोसाइटी, एक नामी सोसाइटी होके इतना चीफ इल्ज़ाम और इतना चीफ बात करना आपको शोभा नहीं देता है। और ये अब हमारा बारे में हम उदार है नहीं है तकम वेलफेयर सोसाइटी पे नहीं करेंगे, हाँ हम खुद करेंगे, इसका ऊपर भी आपका एलिगेशन डालने वाला बेबुनियाद है। और ये अननेसेसरी जो बोलने के लिए नहीं है वो लोग ही ऐसे पॉइंट डालता है। और एक पॉइंट दिया है उन लोग ने, ये बोला है कि हमारा ये तकम वेलफेयर सोसाइटी जो हम लंबा लेके नहीं जाएगा, वो आप लोग का पास हर मीडिया में ये तकम वेलफेयर का सोसाइटी का गिया हुआ है। और एक लास्ट में बोला है कि वो लोग जो है हम लंबा और बात नहीं करेगा, ये बोला है कि तकम वेलफेयर सोसाइटी जो है तकम निकोलस को तकम मानता है बोला है। मैं पूछना चाहूँगा तकम वेलफेयर सोसाइटी को, मैं हमारा अरुणाचल में जितना तकम वासी है सबको मैं नहीं कह रहा हूँ, जो स्पेशली जो यहाँ में जो दो दो लोग को जो चेयरमैन सेक्रेटरी दिया गया है, दोनों का सिग्नेचर को जो सिग्नेचर मारा है उनका ऊपर में ही मैं बोलना चाहूँगा, कोई कोई ये मीटिंग का बारे, ये कॉफ़ी का बारे नॉलेज भी नहीं होगा, अपना बस्ती में रहता होगा, अपना काम कर रहा होगा, उन लोग जो मेंबर लोग ही डिसीशन किया होगा, तो इसलिए मैं चेयरमैन सेक्रेटरी को मैं स्पेशली ये कहना चाहता हूँ। अब अगर बोल रहा है कि निकोलस तकम, निकोलस जो है तकम है बोल रहा है, उसका मेरा प्रश्न ये है कि उन दोनों को बहुत एक जानकारी आदमी होके कल को ये जन्म जन्म तक ये दोनों का सिग्नेचर रहेगा, जन्म जन्म तक हिस्ट्री में रहेगा, कल को अगर आप दोनों
तकम निकोलस को अगर तकम है बोल के बाय बर्थ एस्ती है, हाँ बाय ब्लड तकम है बोल के अगर प्रूफ नहीं करने से आप दोनों का ऊपर में भी आदमी हंसेगा। ये तकम वेलफेयर सोसाइटी का चेयरमैन और सेक्रेटरी को मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ आप दोनों का ऊपर में हंसेगा। मैं इसलिए चैलेंज कर रहा हूँ, हमारा पास में एविडेंस है और हमारा पास में जो उसका जेनोलॉजी जानने वाला, हिस्ट्री को जानने वाला ओल्ड आदमी लोग भी होगा। तो इसीलिए मैं ये बात को आगे बढ़ते हुए दोनों को, जो तकम वेलफेयर सोसाइटी चेयरमैन सेक्रेटरी को स्पेशली मैं चैलेंज करते हुए, मैं दोनों से एक चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। हमारा भी रिलेशन लगता है, फिर भी हमने वेलफेयर के लिए, सोसाइटी के लिए जब आया है तो हम अपना आदमी नहीं देखेगा, हम स्टेट का हित के लिए करेगा, अरुणाचल का हित के लिए करेगा। इसीलिए दोनों को मैं चैलेंज करता हूँ, अब दोनों अगर तकम निकोलस अगर बाय बर्थ एसती है और बाय बर्थ ब्लड है, तकम ब्लड है बोल के प्रूफ करने से उस दिन में हम खुद आपका कंचा बन के बैठ जाएगा। तकम का कंचा बनना है ना उसका कंचा बनना है, डिसाइड करो और वो दिन को आप फिक्स करो कब करेंगे। हम लोग राउंड टेबल में बात करेगा, पब्लिक डोमेन में बात करेगा, आईजी पार्क में बात करना है ना पालिन का जनरल ग्राउंड में बात करना है। हम लोग रेडी है, सिदिल ट्राइब वेलफेयर सोसाइटी पूरा रेडी है, हर एंगल में रेडी है, पब्लिक डोमेन में भी रेडी है, कानून कार्रवाई में भी रेडी है। हाँ, और हमारा निशी में कहावत होता है, अंतिम में अल्टरनेटिव नहीं होने से सुदूंगी उधर बोलता है, गर्म पानी उबल के वह हाथ डालना पड़ेगा कि हाँ ये तकम नहीं है बोल के हम लोग का टीम से डालेगा। ये चेयरमैन सेक्रेटरी भी दोनों डालना पड़ेगा, हाथ डालना पड़ेगा गर्म करके, हाँ ये तकम निकोलस जो तकम है बोल के डालना पड़ेगा। ये है हमारा चैलेंज उन लोग का ऊपर में, और चैलेंज करता है उन लोग को हम, तकम वेलफेयर सोसाइटी का चेयरमैन सेक्रेटरी को और चैलेंज करता है, उसको ज़्यादा टाइम मत लीजिए ना, क्योंकि अब के लिए सिर्फ हम लोग नहीं बैठा हुआ है, हम लोग सारा अरुणाचल को क्लीन करना है, सारा लोग को बात करना है, आप लोग टाइम काते रहने से नहीं होगा। हम लोग तो इंतजार था ये पल कब आएगा बोल के, आप ही आज खुद मौका दिया है, यही मौका का हम लोग तो दुनी रहा था, कब आपका तरफ से क्लीन सर्टिफिकेट देगा ना, नहीं ये तकम नहीं है बोल के देगा ना, तकम है बोल के देगा, यही दिन का हमारा इंतजार था, हमारा सोसाइटी तो यही इंतजार है, पूरा सारा अरुणाचल का यही इंतजार था। तो इसीलिए हम तो डायरेक्ट बोलेगा तकम वेलफेयर सोसाइटी का चेयरमैन सेक्रेटरी को रिक्वेस्ट है, वो दिन निकलो जहाँ पूरा पब्लिक सुन सके, जहाँ पूरा पब्लिक देख सके, वो स्त्री को निकालो। और दूसरा बात, एक बात तो समझ में आ गया, हम हमारा अरुणाचल में नहीं है, इंडिया में अपना बेटी को तो कोई ना शादी नहीं करता होगा, हमको नहीं लगता है कि कोई अपना बेटी को शादी करता, जो उसका माँ का नाम है वो बाय बर्थ तकम है, उनका मम्मी जो निकोलस का माँ है वो बाय बर्थ तकम है। हाँ, वो बाय बर्थ तकम है, उनका पिताजी का नाम है निकोलस का, माँ का नाम जो है तकम यक्या, उनका जो यक्या का फादर्स का नाम है तकम तजा, तब तो ये पहले हिस्ट्री होगा कि अपना बेटी को तकम यक्या का 9 बच्चा है, 9 चिल्ड्रेन होने तक अपना बेटी को वो रखा है, तो 20 साल तो काफी, 20 साल तो लग गया होगा 9 चिल्ड्रेंस को मतलब पैदा करने में। तो तब तो तकम वेलफेयर सोसाइटी जो है क्या अपना बच्चा को अपना से रखने के लिए उन लोग का सोसाइटी में अलग सा एक रूल है क्या? हमको तो नहीं लगता है कि ऐसे रूल के लिए अरुणाचल जो उसको रजिस्टर नंबर 7013 तो नहीं दिया होगा। अगर ऐसे है तकम जो है अपना, जो कोई भी नॉन ट्राइबल को अपना तकम बनाने के लिए रेडी है, तो हम चैलेंज करता है लालूक से कम हम मुस्लिम आदमी
500 जैसे आदमी हम कल लीज तकम वेलफेयर सोसाइटी को देगा, उसको पूरा वो तकम जाति बनाना होगा। कल को वो इंसान लोग किसी को इधर मर्डर करके भी जाएगा तो रेस्पॉन्सिबिलिटी तकम वेलफेयर सोसाइटी लेना होगा। ये मेरा चैलेंज है। हाँ, उसका बाद और एक बात, अगर ये तकम तजा जो है, तकम यक्या का पिताजी नहीं है ना, नहीं है तो वो भी प्रूफ दिखाओ। तकम तजा जो है, तकम यक्या का पिताजी नहीं है बोल के आप प्रूफ दिखाओ। और तो ये तकम तजा जो है, अगर तकम यक्या का पिताजी है तो निकोलस का पिताजी कौन है? तो इसीलिए हम लोग यहां में एफआईआर में क्लियरली मेंशन किया गया है कि तकम निकोलस का बाप ये है बोल के यहां क्लियरली हम लोग मेंशन किया गया है। वो लोग भी आए, उसका पापा का नाम जो हम थोड़ा बात करते करते नारायण चेत्री है बोल के हम लोग मेंशन किया गया। और फिर उसका निकोलस का स्टेप फादर जो है फिर एक है, वो भी कंफ्यूज में बोल के हम लोग लिख के रखा है। तो वो हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये है कि तकम निकोलस का हमने पूरा बूटरलेस जो सेंसेस होता है ना, इंडिया का आदमी है तो वोट टू मारना होगा। आप लोग देखिए असम में ऐसे एक रूल बनाया है, जो 2 साल वोट नहीं मारता है उसको पीआरसी कैंसिल करता है। क्योंकि यहाँ में इंडिया में हम लोग को जीने के लिए हम लोग अपना आपको हम है बोलकर प्रूफ करने के लिए वोटिंग मारना पड़ता है। हम तो ईटानगर में भी पूरा दुना, उनका जहाँ जहाँ पोस्टिंग गया वहाँ भी पूरा दुना। हाँ, तकम निकोलस का पालिन में भी दुना है, उनका तो बूटरलेस भी नहीं है, तब तो इंडिया सिटीजनशिप है ही नहीं है ना, नंबर वन पॉइंट। तो तकम वेलफेयर कैसे उसको भूल लिया है कि वो अपना भाई है? ठीक है, आप अगर ऐसे बोलता है तो प्रूफ कीजिए और हम लोग भी प्रूफ करेंगे। इसके लिए हम लोग अरुणाचल का लोग को रिक्वेस्ट कर रहा है हम लोग, और मीडिया जितना अरुणाचल में मीडिया है उन लोग को भी रिक्वेस्ट कर रहा है कि हम लोग को सिर्फ ही ऐसे क्यों, उन लोग को भी पूछना है, उन लोग का घर जाना है, हम लोग को भी पूछिए, घर आके पूछिए ना। क्योंकि जब हम लोग स्टेट का हित के लिए काम कर रहा है तो हमारा ऊपर में दुनिया भर का एलिगेशन डाला है। मेरा कुछ कुछ रिलेटिव्स तो अभी फैमिली वाइज बात करने के लिए भी रेडी है, लेकिन हमने बोला है कि तका जो है, ताई तका जो है, सिदिल ट्राइब वेलफेयर सोसाइटी का बैनर में बात किया है, इसलिए फैमिली बात नहीं करना। निकोलस का फैमिली वर्सेस सिदिल ट्राइब वेलफेयर सोसाइटी चल रहा था, तो अब तकम वेलफेयर सोसाइटी जो अभी आप घुसा है, पहले तो बोला था कि आप नहीं, हम लोग नहीं घुसेगा बोला था, अभी आप घुस के बोल रहे हैं कि कल वो मीडिया में पब्लिश किया गया है कि वो तकम है बोल के, वो तकम है बोला है तो प्रूफ करना पड़ेगा। और अंतिम प्रूफ अगर हम लोग निसी में अगर सुदुंग रियोदुंग नहीं करेगा बोलने से, डीएनए तक हम लोग जाएगा, डीएनए तेज करेगा, जरूर तेज करेगा हम लोग, जो भी हालत में तेज करेगा। अगर निकोलस का जो वो अगर तजा का बेटा है बोलता है तो तजा का तो बेटा कोई तो रहेगा, हम रेस्पेक्टली मतलब तजा का जो बेटा लोग भी हम लोग को सोशल मीडिया में हमारा नाम क्यों उछल रहा है बोल के, जैसे बोलना नहीं है क्योंकि बोलना नहीं चाह के भी हम लोग आप लोग कनेक्टेड थे इसलिए बोलना पड़ रहा है हम लोग को, उनका ऊपर में हम लोग मैचिंग करके हम लोग डीएनए तेज करेगा। तो ये दिन को आप लोग मीडिया भी पूछिए और अरुणाचल वासी लोग भी पूछिए, उसका डेट निकालो। हम लोग तो कल बोलने से भी रेडी है, परसों बोलने से भी रेडी है, लेकिन 15 दिन से हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं देगा, क्योंकि उनके लिए हम लोग सिर्फ सोसाइटी खुल के नहीं रखा है, सारा अरुणाचल को क्लीन करना है हम लोग को, ना कि तकम निकोलस और तकम सोसाइटी के लिए हम लोग रुक के नहीं बैठेगा। 15 डेज में अल्टीमेटली हम लोग को क्लियर करना होगा वो तकम है, बाय बर्थ तकम, बाय बर्थ एसटी है बोलकर हम लोग को प्रूफ करना होगा। और प्रूफ नहीं करेगा तो हमारा भी खेल लंबा होगा, क्योंकि हम लोग हो गया
अरुणाचल पब्लिक के लिए लड़ रहा है, वो अप हो गया पर्सनल निकोलस के लिए लड़ रहा है आज का डेट में। और एक बात सोचना दू, ये तकम वेलफेयर सोसाइटी का चेयरमैन से के तेरे को मैं स्पेशली पीर से मैं बोल रहा हूं, सच में अगर निकोलस अभी कहीं में ड्राइवर कर रहा होगा या कहीं में माली कर रहा होगा ना, ये लोग कभी प्रोटेक्ट करने नहीं आएगा। ये बात हमेशा अरुणाचल वासी लोग याद रखो। आज वो असिस्टेंट कमिश्नर है बोल के उनका पेच पाने के लिए ऐसे काम मत करो। हम तुम्हारा प्रूफ है कि तुम क्यों साइन किया इधर ना, इधर क्यों साइन किया है नॉन ट्राइबल को अपना भाई है बोल के। ये है मेरा प्रेशर हो रहा है क्योंकि हम गलत नहीं देख सकता, हम लोग गलत नहीं सुन सकता है, और हमारा ऊपर में बोलता है कि हम लोग दलाली है बोलता है, इसीलिए उन लोगों का हित भी बोलना हमको जरूरी था। इसीलिए ऐसा है अभी अगर हम वही बोला है कि अगर वो एक माली भी होता तो उनको तो कहा ये बच्चा लोग बुदनाम सुदनाम होगा बोल के पहले नोटिस दे के अपना सोसाइटी से आउट कर देना था, भाई भैया लोग बैठ के बुजुक बुजुक बात करके। अभी थोड़ा सा कौन सा फिगर में आ गया सो बचाने के लिए तोला हुआ है उनका सिंपैथी पाने के लिए। कितना दिन तक पुरते करेगा आप ना, कितना दिन तक पुरते करेगा। कल को आप लोग का कैरेक्टर को आप लोग खुद साइन करके प्रूफ कर दिया है कि हम ऐसा है बोल के, अभी हम आप लोग किसको बात करेगा, किसको बात बताएगा आगे। अपना भाई को अपना बच्चा को हमने तकम वेलफेयर सोसाइटी में बैठ के अच्छा काम किया है बोल के क्या बताएगा। थोड़ा कॉमन सेंस होना है, इतना भी लालची नहीं होना है ना पैसा के लिए। अरे इतना भी लालची होना गलत बात है, तुम कल सोसाइटी को क्या बताएगा, हिस्ट्री होगा बुरा में क्या जवाब देगा कि हमने पापा अपने चेयरमैन होते समय में सेक्रेटरी होते समय में क्या काम किया। अपने बोलेगा कि नहीं हमारा दीदी का एक बच्चा था उसका चेत्री का बच्चा को हम लोग अपना तकम में बना, ये पावर था, ये बताएगा। हम तू सोच के कभी कभी आज भी नींद नहीं आया, अरे ये कैसे कैसे लोग हैं, कैसे कैसे लोग बसा हुआ है। हम तो ये उम्मीद कर रहा था कि तकम वेलफेयर सोसाइटी जो है एकदम प्यरली उन लोग को उल्टा कैंसिल करेगा, एसटी को कैंसिल करने के लिए उल्टा हम लोग का सपोर्ट करेगा बोल के हम लोग का ये उम्मीद था। इसीलिए अभी जो भी आगे पहले मैंने बोला है कि गवर्नमेंट का ऊपर में एसटी को रखेगा नहीं रखेगा, हम लोग का ड्यूटी ये होता है कि हम लोग पब्लिक डोमेन में लाना और गवर्नमेंट तक हम लोग को पहुँचाना। और कल को यहाँ में हर कोई को FIR दिया, ये लोग हर कोई लोग एग्जैक्ट नहीं हो सकता, उसका पुलिस वेरिफिकेशन करेगा और हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट जाएंगे, हम लोग भी जाएंगे। तो इस तरह जो क्लीन है क्लीन करेगा, जो गलत है उसको गलत तैराएगा। तो यही है ना, यही तो बोलता है कानून, जो गलत है तो गलत, झूठ और ये सच्चाई तो भूलने वाला तो कभी छुपेगा नहीं, बाहर तो निकलना ही है। इसीलिए आज का हमारा ब्रीफिंग यह था, थैंक यू। और हमारा राइट में हमारा बेटा है मिस्टर ब्याबंग कुनुंग, ये है आपका पालिंग से बिलोंग करता है, हमारा BP एडमिन है सिद्धिल ट्राइब वेलफेयर सोसाइटी का, वो कुछ आप लोग का ऊपर बात रखना चाहेगा। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मीडिया प्रतिनिधि। और आज का यह मैं अरुणाचल प्रेस क्लब में मेरा आने का मकसद है, ये मैं एक शब्द दो शब्द सिर्फ बताएगा। ये हमारा सिद्धिल ट्राइब वेलफेयर सोसाइटी को तकम वेलफेयर सोसाइटी ने हम लोग को एलिगेशन दिया है, उसका कारण से आज हम आया है। यह सोसाइटी का हम एक सिद्धिल ट्राइब वेलफेयर सोसाइटी का हम एक वाइस प्रेसिडेंट एडमिन में है, तो हम बिलोंग करता है करादादी पालिंग से होता है। तो मेरा टाइटल हो गया ब्याबंग कुनुंग। तो उसका चलते तो अभी जो एलिगेशन जो हम लोग को डाला है तो उसको मैं थोड़ा ब्रीफ करना चाहूँगा। जैसे हाँ ठीक है, हम बता देगा थोड़ा स्टोरी बता देगा सर। ऐसे है तो हम पालिंग का है, पालिंग का होते पालिंग का जितना जो भी है हम जानता है, क्लान हमारा हो गया ब्याबंग सोसाइटी है, तकाम सोसाइटी है, दोलोंग दोहू गुमकु है, एवरी सोसाइटी है ना, सब में है, सब में सोसाइटी है। हम चौथा से हुआ बैठ के आने वाला पूरा जानता है कैरेक्टर, वो क्या था क्या नहीं है, मेरा रिलेशन है सामने है दूर नहीं है, मेरा दीदी का है उसका तजा जो मेरा दीदी का बच्चा है, तजा जो तकम तजा जो मेरा दीदी का बच्चा है, अभी तजा का बच्चा जो यह क्या है। तो अपना बाप का नाम है कैसे अपना बच्चा का नाम पूरा देगा, यही हम लोग एलिगेशन जो ना, ये ठीक है नॉन ट्राइबल तो नॉन ट्राइबल बोलो, अपना टाइटल में रहने दो,
ये हम पहले से बोला है, इसलिए हम लोग, ये मेरा मानना है। अभी हमारा पालिंग में जितना भी है, आप जनता आप अच्छा से देखिएगा, मेरा पालिंग जो अभी देख रहा हो अच्छा से देखिए, हमारा पालिंग में ये तकम निकुलक शरीफ बोल के नहीं है, हमारा पालिंग में है बहुत फैमिली है, उसको भी लाएगा पब्लिक डोमेन में, मीडिया डोमेन में आप लोगों के सामने लाएगा। आज ये आ रहा है कि पर्सनल में हम लोग को ले रहा है कि ये निकुलस को किया है, दूसरा को क्यों नहीं किया है, आपका व्यापार में भी होता है उसको क्यों नहीं किया पूछता है। हम अभी यहाँ में मीडिया के सामने में सीधा दावे का साथ बोल रहा है, उसको हम डोमेन में लाएगा। अगर मेरा भाई हो बहन हो, हम डोमेन में लाएगा, जरूर लाएगा, आप लोग के सामने में पेश करेगा एक बार, चाहे पालिंग का जितना भी हो ना। और इतना ही हम बताएगा, यही हम मेरा बात यही रखिएगा। थैंक यू। आपका सोसाइटी को कौन राइट दिए कि आप उनका कोई भी मेंबर को 100% नोटिस देंगे? वो तो गवर्नमेंट का ऊपर आता है, वो तो इन्वेस्टिगेट करेगा उसको 100% नोटिस तो भेज देते। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था। लेकिन एक्चुअली हम लोग जब रजिस्टर करने का बात में, हम लोग एक मेंबर लोग एक रेजुलेशन पास किया था कि अभी घर घर जाके तो मुख से बोलने से तो फाइटिंग भी हो सकता है, उनको प्रोटेक्ट करने वाला उनका अपना आदमी भी होगा ना। तो हम लोग ये एक पब्लिक डोमेन में लाने के लिए ये हम लोग का एक बेस्ट जरिया था कि हम लोग उसमें ये नहीं लिखा है कि लीगल नोटिस बोल के नहीं है, सो कोस था। हम लोग कन्फ्यूज है आपका ऊपर में, हम लोग रजिस्टर सोसाइटी है, आपका ऊपर में कन्फ्यूज है, एलिगेशन आ रहा है कि आप जो है नॉन APST है, बाय बर्थ नॉन APST है, आप APST लेके ST लेके होल करके बैठा हुआ है, इसलिए क्लेरिफिकेशन करो बोल के। और काफ़ी ऐसे नहीं है कि नहीं किया, काफ़ी लोग को दिया हूँ, कम से कम हमारा आज का डेट में हमारा रिकॉर्ड में 300 ज़्यादा दिया, काफ़ी लोग रिप्लाई दिया है कि स्टोरी दिया है कि ये ऐसा है, नहीं आप लोग का ये गलत फहमी है बोल के बहुत बड़ा बड़ा आदमी लोग को दिया है। वो लोग बोला है कि भाई नहीं, ये आप लोग जो कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन आप लोग हमको आज क्लियर करने के लिए मौका दिया है, थैंक यू बोल के वो लोग सबका गौर किया है। आप लोग बाद में धीरे धीरे जानेगा, अगर ज़्यादा ही हार्ड हो जाएगा तो सब कहाँ गया था हम लोग एक्सपोज कर देगा। क्लियरली बोला, बहुत बड़ा बड़ा IAS ऑफिसर का घर भी गया है, रिटायर्ड IAS ऑफिसर का घर भी गया, नोटिस भी दिया। वो लोग बोला कि भाई नहीं, मेरा वाइफ जो है नॉन ट्रैवल है, हम तो ट्रैवल है बोल के अच्छा से जेनोलॉजी बता के हम लोग को क्लियर पैकेशन किया। तो जब हम लोग को क्लियर पैकेशन कर दिया है तो हम लोग का दोबारा बात नहीं बनता है कि उसका ऊपर एलिगेशन करने के लिए, हम लोग को सेटिस्फाई हो गया। क्यों सेटिस्फाई हो गया बोलने से जेनोलॉजी ही बताता है सेटिस्फाई करने के लिए, हम लोग को सेटिस्फाई कराने के लिए जेनोलॉजी ही बताएगा। और विदाउट जेनोलॉजी में हम लोग जहाँ जहाँ जेनोलॉजी अटक गया उन लोग को अभी जो अभी जैसे कि हम लोग अभी 3 परिवार को FIR किया है, और बहुत लोग हैं, एक साथ तो नहीं कर सकता है कि नहीं, एक साथ करने से हमारे लिए बहुत सर दर्द हो जाएगा, इसीलिए हम लोग पेज वाइज किया है, कम से कम 200-300 पेज होगा। तो ये तो पेज वन था, पेज वन को क्लीन करने के लिए इतना दिक्कत हो रहा है अभी। जैसे कि अभी आप लोग बोलेगा कि कोई कोई बोल रहा है कि आप लोग जो देख के माने जो पोजीशन अच्छा है वो लोग को सिर्फ कर रहा है ना, कोई कोई ऐसे भी क्वेश्चन कर रहा है। अभी जो बहुत दुख तकलीफ से गरीब से जो रह रहा है वो लोग बोलता है कि पहले अमीर लोग को ठीक करो ना, अमीर लोग को डरता है तुम लोग पैसा से हराएगा उसके डर के, हम लोग को ठीक बोलता है, जिस जिसको नोटिस दिया है वो लोग बोलता है कि वो लोग को पहले ठीक करो, हम लोग खुद रिजाइन करने आ जाएगा, मीडिया में आएगा बोल रहा है। आज का डेट में भी 16-15 तो आदमी है खुद देने के लिए आने के लिए रेडी है। देखिए नहीं, मैं सबसे पहले मैं उनका पर्सन को जवाब दूंगा इसमें। अब अभी बोला है कि ये इशू तो पहले काफी दिन से आ रहा है,
हमारा ये सोच जो ये था कि ये सिदिल ट्राइब वेलफेयर खुलने का ये सोच जो जिस दिन आपसू एक बार ऑफ स्प्रिंग उठाया था उनका बाद वो लोग सक्सेस नहीं होने का वजह से मैंने हमारा टीम एक बना के हम लोग सोचा है कि नहीं ये हो गया ऑर्गेनाइजेशन उसको लड़ने के लिए सही मायने में लड़ने के लिए सोसाइटी ही फॉर्म करना होगा और इस दिशा पे हम लोग चले गए और काफ़ी दिन लगा काफ़ी साल लगा सोसाइटी को देने के लिए क्योंकि एक सोसाइटी रजिस्टर करने के लिए इतना ईजी नहीं है। तो अभी आप लोग बोल रहे हैं कि पहले हाथ तत्व को भी एलिगेशन दिया है आप लोग अभी बोल रहे हैं हमने हाथ तत्व को भी नोटिस दिया है आप लोग शायद मीडिया में दिखाई नहीं देता हो दिखा दो फेसबुक में भी फेसबुक में हमारा जीएसआर भी अपलोड किया था जिस दिन हम लोग हाथ तत्व को हाँ वेलफेयर सोसाइटी को हम लोग जब नोटिस दिया था उन्होंने रिप्लाई दिया है कि हाँ ये हम लोग का हाँ ही है हाँ उन्होंने जेनोलॉजी बताया ये स्टोरी है। फिर हम लोग लास्ट टाइम जब हमारा फॉर्मर चेयरमैन हम लोग चेयरमैन चेंज होने का बाद मैं नया चेयरमैन आने का बाद में फिर मैंने एक नोटिस भेजा है आप लोग देखिए अभी हम लोग कॉपी दे देंगे तो हम लोग बोला है कि उसमें हम लोग सेटिस्फाई नहीं है ना हम लोग फर्दर और कुछ जांच पड़ताल करेंगे बोला उन्होंने फिर हम लोग को रिप्लाई लेटर दिया है ये बोला है कि आप लोग ग्राउंड रिपोर्ट चेक कर सकता है हम लोग को ऑर्डर दिया है हाँ सोसाइटी वेलफेयर सोसाइटी ने हम लोग जाएंगे वहाँ भी जाएंगे लेकिन हम लोग बता के नहीं जाएंगे ना किसी को कब जा रहा है कैसे जा रहा है। अगर निकोलस का अगर ऐसे ही बात है तो पहले ही सोसाइटी जवाब दे देना चाहिए था मैं उनको बोला हूँ चेयरमैन को जवाब दिया है कोई लोग अब भी दीजिए तब उस हिसाब से हम लोग प्रोसीड्यू करना था FIR जाने का भी नौबत नहीं था ना। तो इस तरह हम लोग का मानना ये है कि अब किसी को इज्जत देगा आपको भी इज्जत देगा किसी को रेस्पेक्ट करेगा आपको भी रेस्पेक्ट पाएगा इसी तरह वो हम लोग को जवाब नहीं देता है और हम लोग उनका स्टोरी पूरा मालूम वो लोग जवाब भी क्या भी देगा देने के लिए ही कुछ नहीं तो इसीलिए तो ये सब हरकत कर रहा है ये है। और आपका पर्सन आप बोला है कि असम से कोई बुंटी बाइती लाता है घर पे काम कराने के लिए उसको बेटा बेटा के बाद में अपना जाति बना लेता है। देखिए अभी सबसे पहले हमारा हर चीज़ को एक साथ मिक्सअप करके ले जाने से हम लोग सकेगा भी नहीं है हर चीज़ को पार्ट वाइज जाएगा ये सोसाइटी आज ख़त्म नहीं होगा हम लोग मर जाने का बाद भी ये सोसाइटी रहेगा तो आगे वाला सोसाइटी जो हम लोग मर जाने का बाद भी जो चलाएगा वो लोग देखेगा। अभी हम लोग का सबसे मोटिव जो है माँ का जाति में बैठ के जो अपना आपको खुद को निशी समझता है खुद को अपतनी समझता है खुद को गलो समझता है खुद को तागिन समझता है ये लोग को पहले क्लीन करना होगा। ये क्लीन करने से ये लोग ऑटोमेटिक बुंटी बैठी आने वाला ऐसे धार के खुद भाग जाएगा क्योंकि उन लोगों का रहन सहन जो है कि माँ से पैदा होकर सबको खुद को अपना आपको मतलब एकदम बाय ब्लड खुद को मैंने एस्टी मानता है ये लोग को आउट होने से खुद साइड हो जाएगा इसी तरह है। और कुछ क्वेश्चन है कैसे प्रूव करेगा उसमें देखो सबसे पहले तो पुलिस टीम तो रहेगा है जबकि अभी हम लोग FIR देखे रखा है और जैसे कि अभी ब्लेज में हो वहाँ जेनोलॉजी जानने वाला देखिए अभी तकम सिर्फ अपना वो डिसाइड नहीं कर सकता वहाँ में अन्य जाति है जो उन लोग से सीनियर है पालिंग में जितना सीनियर सिटीजन है सबको पूछेंगे हाँ और कैसे आप जैसे कि आप मान के चलिए आपका घर बगल में आप तो बचपन से आपका दोस्त लोग को फ्रेंड लोग को जानता है ना इनका माँ कहाँ से नेपाली है ना कोलोरियांग से है ना कहीं से मालूम होता है तो वो लोग को पूछेंगे वो कैसे डिसाइड कर सकता है डिसाइड तो पब्लिक करेगा पब्लिक इन द सेंस जो वहाँ का जो पालिन का जो सीनियर सिटीजन करेगा वो डिसाइड करेगा और पुलिस प्रशासन डिसाइड करेगा कि आगे क्या करना है और हाई पावर कमिटी डिसाइड करेगा। तो हमारा ड्यूटी तो ये है ना मैम हमारा ड्यूटी ये है कि हम लोग सामने रख देना और हमारा सामने से हम लोग से अगर हो गया चीज़ हो गया हम लोग से क्लियर पाई हो गया वो भी क्लियर पाई हो गया बोल के हम लोग पहुँचा देगा हमारा ACS को हम लोग पहुँचा देगा हाई पावर कमिटी को पहुँचा देगा ये इसका जेनोलॉजी ये है हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट तक आया गया है हम लोग चेक किया है तो ये है
और ये जो प्रॉब्लम है, इसलिए हम लोग इसलिए जो जो प्रॉब्लम दे रहा है उसको हम लोग FIR देते जाएगा, आगे देते जाएगा। अभी काफ़ी FIR देने के लिए है। अब हम लोग काम कर करके हम लोग सोता भी नहीं है, क्योंकि हमारा ऊपर में बहुत एलिगेशन दे रहा है, आधा को कर रहा है आधा को नहीं कर रहा है। कोई कोई मीडिया में भी आके ये बोल रहा है कि ये लोग तो ये आधा को नहीं किया, जो लोग नहीं कर रहा है वो लोग कर रहा है बोलते। ऐसे नहीं होता, एक साथ में कैसे करेगा? एक साथ में तो अभी चावल बोरी को नहीं खा सकता, उसको टाइम दे के तो खाना पड़ेगा ना, कैसे करके उसको निकालेगा, टाइम को निकालेगा। अभी एक साथ देने से तो हर तरफ से प्रॉब्लम आ जाएगा। आज जैसे कि अभी आज तक हम वेलफेयर सोसाइटी ने आज आर्गू किया, कम से कम हम लोग उस समय में 500 लोग को करने से तो चारों तरफ से आएगा, हम लोग कहाँ जाएगा? एक एक करके क्लियर करना होगा। इसलिए आप लोग अरुणाचल का जो ये पब्लिक लोग है, ऐसे नहीं सोचना है कि कोई कोई का बात को भी सुन के ऐसे नहीं लगना चाहिए कि नहीं ये लोग आधा कर रहा आधा नहीं कर रहा। हम लोग शुरू ही किया है, अभी तो करना बहुत बाकी है ना। जो जो अगर ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिलता हम लोग को सबमिट करके हम लोग टीम में शामिल होकर करना है। अभी तो 1% हाँ, तो अभी तो ये 1% भी नहीं है, ये पॉइंट है, जस्ट पॉइंट है। तो अभी हम लोग जैसे कि डिस्ट्रिक्ट टूर जाएगा तो वहाँ में वो डिस्ट्रिक्ट का आदमी ही मालूम होगा ना, उसका तो रहन दहन कौन क्या है हम तोरी मालूम होगा, वही मालूम होगा। तो वो लोग से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, और जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं है, जो क्लियर नहीं है, वो लोग को हम लोग FIR नहीं देगा। जिसको डायरेक्ट प्रूफ हो गया उसको FIR देगा, और वो भी ऐसे है कि प्रूफ बुल के 100% बुल के नहीं है, तो उसमें भी कुछ कुछ क्लियरिफिकेशन होगा तो क्लीन होगा, तो हम लोग वापस ये हम लोग से गलती हो गया, जो हम लोग एम्प्लॉइज का आएगा ये गलती हो गया, सोसाइटी से गलती हो गया, ये क्लीन है, यही हमारा मकसद जो है। और उसके बाद में आपने ये बोला है कि बहुत सारे लोग को आप लोग ने 100% नोटिस उसके बाद FIR दिया है।